नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर भोपाल से है, जहां पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक ओर जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कहीं पर उद्यमियों के ऋण माफी की जा रही है, तो फिर तो वहीं इसी दौरान आईफा अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसको अनावश्यक मानता हूं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि 700 करोड़ रुपया आईफा अवार्ड पर, जैसा मैंने पढ़ा, खर्च कर रही है सरकार। अभी हमने इंदौर के अंदर एक आईटी का, इनका टीवी का आईटी का कार्यक्रम देखा, उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अभी फिल्म सिटी बनाने में 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने जा रहे हैं। चाहे 10 करोड़ की बात हो, चाहे 700 करोड़ की बात हो, अगर आप पर पैसा नहीं है तो हीरो हीरोइन को क्यों बुला रहे हो? या तो पहले पैसा है तो किसान का, नौजवान का आप माफ़ करो और उनको बेरोजगारी भत्ता दो, उसके बाद हवाई जहाज खरीद लेना, उसके बाद कोको कोला और रिलायंस को संतुष्ट कर लेना। और पैसा नहीं है तो काय को हीरोइन हीरो को बुला रहे हो भाई? आज जो सरकार है वो कर्जा माफ नहीं करती, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, लेकिन छपाक्स पर टैक्स फ्री कर देती है। आज की जो सरकार है वो बोनस किसान को नहीं देती, पर रिलायंस के अंबानी के 351-41 करोड़ माफ कर देती है। आज जो सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता नौजवान को भले न दे, पर कोका कोला कंपनी के 100 करोड़ माफ कर देती है। आज की जो सरकार है बेटियों के कन्यादान योजना के 51,031,000 बेटियों को भले न दे, पर नए विमान को खरीदने की चिंता करती है। अगर किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, तो कहते हैं खजाना खाली है। फिर रिलायंस की बात करते हैं, कोका कोला की बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं, हवाई जहाज खरीदने की बात करते हैं, तो खजाने में भरपूर पैसा है। ये कैसी सरकार है? धिक्कार है, धिक्कार है सर। ये कोई स्वीकार वाली बात ही नहीं है। विषय वो अलग है, ये विषय अलग है। ये कानून स्वीकार व अस्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। जो कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है उसे सबको मानना ही पड़ता है। संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर संवैधानिक संकट की कोई भी स्थिति उत्पन्न की जाती है किसी सरकार के द्वारा, तो वो सरकार पर संकट माना जाता है।